अपनी पार्टी के यूथ विंग के वाइस प्रेसिडेंट रकीक अहमद खान जी ने आज एक अनोखा प्रोटेस्ट किया है, और जितना मैं उन्हें जानता हूँ वो इन्हीं प्रोटेस्टों के लिए जाने जाते हैं। स्टूडेंट राजनीति में जब भी थे तब भी इसी तरीके से प्रोटेस्ट किया करते थे, मगर अब दोबारा। मगर रकीक भाई, सवाल ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट का इतना सीरियस मुद्दा, और ये कुछ मजाक नहीं था, ये एक सीरियस चीज़ थी, और पहले भी सवाल उठते रहे हैं और अनएम्प्लॉयमेंट पहले ज़्यादा जोरों शोरों पर थी, मगर अब चुनाव पास आ रहे हैं, क्या चुनाव के लिए कोई रणनीति अपनी पार्टी तैयार कर रही है? इलेक्शन कमीशन ने कोई डेट अनाउंस की है? 2 महीने के बाद जो है लगभग कमीशन ने कोई डेट अनाउंस की है? पॉलिटिकल पंडित यही अनुमान लगा रहे हैं। पंडित क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पंडित बहुत तरह की चीज़ें कहते हैं। तो फिर तो जम्मू कश्मीर में रूमर्स का बादशाह जम्मू कश्मीर को माना जाता है, रोज़ एक नया तरह का रूमर जहां पैदा होता है। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के नौजवानों की बात कर रहे हैं। अल्ताफ बुखारी जी को अगर मैं कोट करूं तो अल्ताफ बुखारी जी ने खुद कहा है कि 2 से 2.5 महीने जो है डीलिमिटेशन कमीशन की एक्सरसाइज को लगेगा, उसके बाद चुनाव कभी भी हो सकता है। डीलिमिटेशन कमीशन की बात की ना उन्होंने, कहा चुनाव कभी भी हो सकते हैं। उन्होंने कोई टाइमलाइन तो नहीं ना दी कि कब होंगे। बी पार्टी जो कहा जाता था भाजपा की, आपको क्या उसको भी एक उसके खिलाफ जो एक माहौल बना था उसको भी भुलाने की कोशिश है, इसलिए इस वक्त तीव्र रूप से जो है अपनी पार्टी प्रोटेस्ट करी, और खासकर जम्मू में देखा जा रहा है कि अपनी पार्टी बहुत। देखिए वो कौन बी टीम कहता था, वही आपके नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, वही आपके पीडीपी के लोग, आप आम आदमी से जाके क्यों नहीं बात करते? आप उनके एक्टिविस्टों से आपका मेरा कहने का मतलब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग, पीडीपी के लोग, कांग्रेस के लोग, जिनका काम ही प्रोपोगंडा करना है। मुझे कल किसी मीडिया वाले ने, किसी मीडिया के साथी ने पूछा कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के खिलाफ नीचे जो है कमेंट सेक्शन में कुछ अच्छे कमेंट्स नहीं आते हैं, तो हम वहीं बैठ गए तो वहाँ पे कुछ कोई 1000 के करीब कमेंट्स आए थे। तो मैंने उन्हें जब मैंने कहा इनकी प्रोफाइल निकालिए, जब प्रोफाइल निकाली तो वो कोई यही नेशनल कॉन्फ्रेंस का आदमी था, और नेशनल कॉन्फ्रेंस से जुड़े लोग जो अच्छे पदों पे बैठे हैं, पीडीपी से जुड़े लोग जो पीडीपी में अच्छे पदों पे बैठे हैं, कांग्रेस से जुड़े लोग, वो क्यों हमें टैगलाइन लगा रहे हैं? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हो सकता है किसी की ABC रहे होंगे। गोभी क्या कर रही है वैसे आज हाथ? ये पढ़ी लिखी गोभी है, LLB वाली गोभी है। आपने भी LLB की है तो आपको पता है ये गोभी सेक्शन 120 बहुत अच्छी बताती है, और आज इसका दाम 50 पैसे लग गया। तो आप समझ सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का नौजवान कितने ज्यादा बेरोजगार हो गया है। रकीक जी, NSUI से आप आए और अपनी पार्टी ज्वाइन की, NSUI के स्टेट प्रेसिडेंट एक बहुत बड़ा पद है, वो छोड़ के अपनी पार्टी ज्वाइन करना, कोई पॉलिटिकल मंशा, कोई पॉलिटिकल गेन, कोई पॉलिटिकल बेनिफिट की इच्छा? देखिए, जब 8 मार्च को जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी ने जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनाई तो उन्होंने कहा था कि हम सच की राजनीति करने आए हैं, और आज तक जम्मू कश्मीर में हमेशा जज्बाती नारों की सियासत होती रही, ठीक। और उन सारी चीज़ों से अगर किसी पार्टी ने एक मिशन लिया कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए बेहतर काम करने के लिए, और जम्मू कश्मीर के लोगों से सच कहने को कहा जाता है, उनको सच बताया जाता है, तो वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के ने वो सारा काम शुरू किया। मैं उस मिशन के साथ जुड़ा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल मंशा के साथ नहीं जुड़ा हूँ। आप जानते हैं कि उस पार्टी में मैं अच्छे ओहदे पर था, आपने जिक्र भी उस बात का किया है, लेकिन वहाँ कहीं ना कहीं चीज़ों को एक स्टेज पे आके दबा दिया जाता था, वो बात पूरे तरीके से कहने नहीं दी जाती थी, जिसका विरोध हमने बड़ी बार वहाँ भी किया। आप बेहतर जानते हैं कितने बड़े लीडर्स के दरवाजे और टेबल भी मुझे आपने तोड़ते बहुत अच्छे से देखा है, और या तो कोई नया जर्नलिस्ट हो जो आप तो मेरे साथ ही रहे हैं किसी ज़माने में, तो आप मुझे बेहतर जानते हैं कि हम किस तरीके से काम करते हैं, और नौजवानों के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। क्योंकि ये यूथ विंग है और यूथ विंग का प्रोटेस्ट है, और खासकर आपका प्रोटेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट यूथ के लिए है, तो अन्य पार्टियों में जितने भी यूथ विंग हैं और अपनी पार्टी का उसमें मिलाकर एक हमेशा से चर्चा रही है, और हमेशा से ऑफ द कैमरा जो है यूथ विंग होंगे चाहे स्टूडेंट विंग्स होंगे, उन्होंने मेरे से बात की है कि क्यों नहीं हमको जो है एक रिजर्वेशन मिलती है अपनी पार्टी के अंदर ही, क्या 30% लोग जो है युवा लोग जो है वो चुनाव लड़ें और वो फिर पार्लियामेंट में जाएं या फिर असेंबली में जाएं, ताकि जो है एक यूथ की बात रखने के लिए कोई हो, और सबसे लेस अगर करप्ट कोई हो सकता है तो वो इस समय यूथ हो सकता है। उसका काम, उसका मेन मंशा यूथ की होती है, ये आपको भी पता है, कि हम डिलीवर कर पाएं लोगों को, और अगर ऐसी कोई पॉलिसी हो आपको लगता है कि ये होनी चाहिए आप सभी पार्टीज के अंदर, सभी यूथ विंग्स के अंदर? देखिए, आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, मुझे लगा था कि आज आप तैयारी करके आए होंगे, पढ़कर आए होंगे। जब जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी बनी 8 मार्च को,
तो अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा था, मेरा साथी भूल गया, उन्होंने कहा था कि हम 40% नौजवानों को मौका देंगे कि वो चुनाव लड़ें। क्या इस बार रहेगा, इस बार क्या रहेगा, एज बार एक नौजवान की एज क्या होती है, क्या, क्या आप बताए ना। मैं देखिए इसके ऊपर मैं एज बार पे कोई कमेंट नहीं करूंगा, नौजवानों को मेरे नौजवानों में फिर वही बात आ गई जब NSUI थी और कांग्रेस की जो है सेंटर में सरकार थी, आप राहुल गांधी जी को भी नौजवान कहा करते थे, याद भूल गया, तभी मैंने आपको, हम होमवर्क जो है ना वो पूरा करके आते हैं, तभी हम आपसे पूछ रहे हैं एज बार जो है, एज बार बताई जाए। हमारा मानना ये है जो इस वक्त यूथ कह रहा है वो कह रहा है 30 से नीचे कोई भी हो उसे चुनाव लड़ाया जाए और पार्टी ही जो है उसका फाइनेंशियल खर्चा भी उठाए। देखिए भैया बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, चुनाव रातों रात लड़ा नहीं जाता कि एक नौजवान को आपने यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करने के बाद सड़क पे आ गया और आपने चुनाव लड़ा दिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अंदर हमारे पार्टी प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी जी ने और लीडरशिप ने ये बात कही है कि जो भी नौजवान जिसकी उम्र 25 साल के बाद एक नौजवान चुनाव लड़ सकता है, जो इस काबिल होगा, जिसको लोगों में एक अच्छी पकड़ होगी, एक मजबूती होगी, चाहे वो 25 साल एक दिन का ही क्यों ना हो, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उसको चुनाव लड़ाएगी। ये आप ऑन द कैमरा कह रहे हैं, ऑन द कैमरा कह रहा हूँ, अगर वो अगर मैं 30 साल का हूँ, मेरे में वो काबिलियत नहीं है तो पार्टी मुझे क्यों चुनाव लड़ाएगी, मुझे नहीं ना लड़ाएगी, और मुझे लड़ना भी नहीं चाहिए, मुझे मांगनी भी नहीं चाहिए तब टिकट, ठीक है, और इस पे बात भी नहीं करनी चाहिए। जो उस काबिल नौजवान होगा जिसकी लोगों में चर्चा होगी, लोग उससे जानते होंगे और जो पार्टी को नंबर ला के दे सकता है, पार्टी को सीट ला के दे सकता है, आप देखेंगे कि हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने हमेशा सच की बात की है, 40% कहा 40% नौजवानों को चुनाव लड़ाएंगे, और आप देखेंगे कि बहुत से नौजवान चेहरे जब भी चुनाव हुआ, जब भी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो कोई डेट अनाउंस नहीं की है, ठीक, जब भी चुनाव होगा तब आपको जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बहुत सारे नौजवान चेहरे चुनाव में दिखेंगे। आपको आपकी बात का जवाब दूं, अरफान मनहास शोपिया से जो अपनी पार्टी की टिकट पे चुनाव लड़े, 27 साल उनकी उम्र है, वो वाइस चेयरमैन बने हैं शोपिया से DDC के, वो नौजवान नहीं है क्या? एडवोकेट तजम्मल जो हमारी पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, टंगमर से चुनाव लड़े हैं, उनकी उम्र 30 साल है, क्या वो नौजवान नहीं है? तो आप ये समझ लो ना, ऐसे बहुत से चेहरे हैं, मैं जीते हुए चेहरों की बात कर रहा हूँ। अल्ताफ बुखारी जी की अगर बात करूँ तो वो जब भी कोई स्टेटमेंट बोलते हैं वैसा होता है और उनकी बात में विश्वास एक दिखता है, चाहे वो 4G की बात हो, चाहे वो बात हो कि ऑल पार्टी मीटिंग में कौन बोला और कौन नहीं बोला, जब बाद में अनुमान लगाया गया कुल मिला के वही बात थी। मगर इस वक्त बात यह है कि आल पार्टी मीटिंग एक सॉफ्ट कॉर्नर रखती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, वो कहती है कि बात होगी, बातचीत होगी, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। क्या आफ्टर इलेक्शन अगर मैंडेट अपनी पार्टी को जो है वो कश्मीर से मिलता है और कुछ जम्मू से भी मिलता है, और जम्मू का साफ साफ दिख रहा है कि BJP की तरफ रुझान होगा, तो BJP अपनी पार्टी मिलकर सरकार बना सकती है? देखिए ये इस पर कोई कमेंट नहीं, नो कमेंट्स, मैं नौजवानों की बात करने आया हूँ, मैं और मेरा दायरा नौजवानों तक ही है, इस पे आपको पार्टी प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ बुखारी या पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट्स जो हमारे हैं या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट या पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो इस पे बता सकते हैं। नो कमेंट। रकीक जी ये उम्मीद तो इस वक्त आपसे थी, ये आम पार्टियों की तरह जो उनका यूथ विंग, जो उनका स्टूडेंट विंग बोलता है, वो सेम जवाब आपने दिया, फ़र्क क्या रह गया अपनी पार्टी के यूथ विंग में और NSUI के या फिर अन्य नेशनल कॉन्फ्रेंस के यूथ विंग में या PDP के यूथ विंग में, फर्क क्या? आप वो सवाल पूछ रहे हैं जिसका अभी डोल बजा नहीं, जिसकी वो कहते हैं ना जब हम रोटी बनाते हैं ना तो उसमें लकड़ी का इंतजाम करते हैं, आग जलाने के लिए माचिस लाते हैं, तो अभी लकड़ी दूर दूर तक पता नहीं, जब वो होगी तब की तब बात करेंगे। इस वक्त क्या उम्मीदें लगाई जा रही है कि डिलिमिटेशन कमीशन की एक्सरसाइज होने के बाद ही तुरंत चुनाव हो जाना चाहिए या कुछ? नो कमेंट्स। मैं आज नौजवानों की बात करना, आज आप नौजवानों का दर्द दिखाइए ना, क्यों नहीं दिखाते? आप नौजवान हैं, मुझे आपसे उम्मीद थी कि आप नौजवानों का दर्द दिखाएंगे। नौजवानों का दर्द डिलिमिटेशन में कहाँ है? अगर इलेक्शन होगी, रिप्रेजेंटेटिव चुने हुए आएंगे तो नौजवानों के मसले हल होंगे, तो नौजवानों का दर्द। अरे उससे पहले आप नौजवानों के मसलों के हल की बात क्यों नहीं करते हैं? हम उससे पहले हल करवाने की बात कर रहे हैं। अपनी पार्टी तो कहती है बाबू डम है, यहाँ पे हो ही नहीं सकता। तो बाबू डम के खिलाफ प्रदर्शन कौन कर रहा है? हम लोग कर रहे हैं ना, हम उन बाबुओं को कह रहे हैं जाग जाओ, हमें बंद AC से भी निकाल के आपको लाना आता है, अगर आप AC में सोते हैं ना सिर्फ, तो हमें उस AC का दरवाज़ा भी लॉक करना आता है, उसकी लाइट की बत्ती भी काटनी आती है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का यूथ विंग वो हर काम करेगा जो जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हक में हो। एक लास्ट सवाल, कश्मीरी पंडित की पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात हो रही है और
इस समय वो सवाल का जवाब आप दें तो बेहतर रहेगा। क्या अपनी पार्टी इस बात से जो है इत्तेफाक रखती है, क्योंकि काफ़ी चर्चा ये चल रही है कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन कश्मीरी पंडित की जेएनके की असेंबली में होनी चाहिए? देखिए, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अभय बकाया जी हैं जो कश्मीरी पंडित समाज से भी आते हैं, इसका जवाब ये दें। चलिए, अभय बकाया जी से जवाब लेते हैं। जनरल सेक्रेटरी, अपनी पार्टी यूथ विंग के यहाँ पर हैं, क्या लगता है इस सवाल का जवाब क्या होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त चर्चा है कि जेएनके की असेंबली में केपीस के लिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन होनी चाहिए? बिल्कुल जी, देखिए, इस समाज को विस्थापित हुए 31 साल हो गए हैं और आज तक इस 31 साल में विस्थापन के बाद इस समाज को जो मिला है वो सिर्फ लिप सर्विस मिली है, और जब तक हम पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं मिलेगी तब तक इस समाज के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए पॉलिटिकल रिजर्वेशन की बात जो आप उठने की बात कर रहे हैं वो इसलिए उठ रही जा रही है। आप कॉन्स्टिट्यूशनली ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, जेमिलेशन के बाद चलेगा पता। मैं आपके माध्यम से ये ज़रूर बोलूँगा कि अगर रिजर्वेशन नहीं दे सकते तो नॉमिनेट डेफिनेटली कर सकते हैं, तो दो MLAs और दो MLCs डेफिनेटली नॉमिनेट होने चाहिए। मैनिफेस्टो की बात आप पार्टी लीडरशिप की, आप मुझसे सवाल पूछा, मैं आपको बता रहा हूँ अपनी तरफ से, मैं ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन अगर कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे को रिजर्व सीट में नहीं दे सकते हैं तो हमारे डेफिनेटली नॉमिनेशन में दो सीट MLC की और दो सीट MLA की होनी चाहिए और देनी चाहिए। ये था यूथ विंग अपनी पार्टी का, और कई सवालों के जवाब जो है आज नहीं देना चाहते हो, आज सिर्फ मुद्दा है अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ के, तो आज वो उसी पे बात कर रहे हैं, मगर कई सवालों के डके अल्फाजों में हैं, जवाब भी मिले हैं। साइनिंग ऑफ फ्रॉम